और मैं उनको इस संघर्ष में लड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे देश के बच्चियों के लिए अपने जान को बाजी लगा दिया। लेकिन मुझे गर्व है कि इतनी संघर्ष महिला हमारे बीच है, हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारे देश के बच्चियों के लिए लड़ने के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि नहीं, एक न एक शख्सियत हमारे बीच में है जो महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस मांग को पूरी की और देश के बच्चियों के कम से कम छोटे छोटे बच्चियों को कानून में बदलाव किया और बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे जितने आप लोग अपना कीमती समय निकाल के इतना सेंस के साथ बैठे हैं, खड़े हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज ये भीड़, ये आंदोलन 2012 की याद दिलाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग, आप लोग इसी तरह अपना एकजुट बनाए रखें, क्योंकि अभी बहुत लड़ाई बाकी है जो देश में बाहर, जो हमारी बच्चियाँ इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चियों को इंसाफ दिलाना है और उनके इंसाफ दिलाने के लिए हम लोगों को बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। उसी बीच में मैं निर्भया की माँ हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि निर्भया के मुजरिमों को जल्द से फांसी मिले और उसको भी इंसाफ मिले। आज यहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा देख के मुझे बहुत तसल्ली हुई कि आप लोग इतना हिम्मत के साथ खड़े हैं और सबको सुन रहे हैं, मेरे जैसे भी एक आम आदमी की सुन रहे हैं। हम लोग इसी तरह एकजुट होके एक बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे अपने बच्चियों को, अपने महिलाओं को सुरक्षित।